हम सभी सूर्य का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये सूर्य हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, कभी कभी इतनी उष्णता बढ़ा देता है, इतना तपता है कि हमें आभास होता है जैसे हमारा ये शरीर जल ही रहा है। तब भी हम विरोध नहीं करते, हम सूर्य को कोसते नहीं, हम सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि संध्या काल में जब सूर्यास्त होगा तब मात्र अंधकार ही शेष रहने वाला है। ठीक इसी के प्रकार होते हैं हमारे माता पिता भी, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें प्रेम देते हैं। कभी कभी उनके मुख से भी कटु शब्द निकल ही जाते हैं, हमें दुख होता है, किंतु तब हमें ये समझना चाहिए कि ये शब्द जो निकले हैं वो हमारे हित के लिए ही निकले हैं। जैसे सूर्य, वो क्यों तपता है? हमारे हित के लिए, ताकि फसल पक सके, ताकि जल वाष्प बन के मेघ बन सके, वर्षा हो सके, ये संसार निरंतर चल सके। हमारे माता पिता, उनकी कठोरता, उनके कठोर अनुशासन के पीछे उनके इस प्रेम को हमें समझना चाहिए, सम्मान के साथ उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जैसे सूर्यास्त के पश्चात मात्र अंधकार शेष रह जाता है, ऐसे ही जब हमारे माता पिता हमसे दूर चले जाते हैं तब हमारे जीवन में भी मात्र अंधकार ही शेष रह जाता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें प्रेम प्रदान करें, ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।